ओके निधि मैम, योर सेशन इज लाइव सो यू कैन स्टार्ट। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निधि भटनागर फ्रॉम आशियाना आंगन भिवाड़ी। और आप लोग मैम इनकी वीडियोस ऑफ रहेंगी, अभी मुझे दो बच्चे तो दिख रहे हैं क्योंकि आज का सेशन स्पेशली बच्चों के लिए ही है ना। तो बच्चे अगर अपना वीडियो ऑन करके बताएं कि आपको आवाज आ रही है ना बच्चों मेरी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और भी कोई बच्चा है अगर हमारे साथ तो प्लीज आप लोग भी वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना। आज हम ऑयल पेस्टल की क्लास हमने करनी है ना स्टार्ट। तो उसके लिए मैंने जो जो बताया था एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। स्केल, पेंसिल, कोई मार्कर अगर है आपके पास या स्केच पेन है तो वो एक, अगर बोल्ड मार्कर है मोटे वाला तो वो भी चलेगा, और कुछ ऑयल पेस्टल है ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ थोड़ा सा स्पीड अभी कम है। तो कुछ कलर्स मैं आपको बताती हूँ, आप लोग भी वो कलर्स अपने पास निकाल के रख लो ताकि हमें इजीली हम जल्दी से ड्रॉ कर सके। ठीक है बच्चों, चलिए ये देखिए, ये कुछ कलर्स हैं, जैसे कि लाइट येलो कलर जो होता है ना, लेमन कलर नहीं लेना, येलो कलर लेना है। जो सबसे हल्के वाला येलो कलर होगा वो ले लीजिए। एक पिंक कलर ले लो बच्चों, एक थोड़ा सा जो मजेंटा कलर होता है ना, मजेंटा कलर ले लो। एक ऑरेंज, डार्क ऑरेंज ले लो, एक लाइट ब्लू। ठीक है चलो स्टार्ट करें अभी हम अपना सेशन। सबसे पहले हम ड्राइंग पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम, आपने देखा ही होगा जो पोस्टर आया था उसमें आपको पता चल गया होगा हम आज क्या बना रहे हैं। तो आज हम फिश बनाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल सी, सिंपल सी, स्वीट सी फिश। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, कॉपी दिख रही है आपको मेरी, ड्राइंग फाइल दिख रही है ना। ठीक है हाँ, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यू शेप लेंगे। यू शेप बहुत हल्के हाथ से आप लोग बनाइएगा। क्योंकि बाद में इसको कलर डार्क कर लेंगे ना हम, तो अभी इसको आप बहुत हल्के हाथ से यू शेप बनाएंगे और उसके बाद इसको आगे ले जाके इसको वी वी में बनाएंगे। दिखाई दे रहा है ना बच्चों, मैंने बहुत लाइट ड्रॉ किया है, लेकिन जैसे आप इसको पत्ती वाली शेप भी बोल सकते हो, लीव्स वाली जो शेप होती है ना वो। ये देखो ये बन गई एक मेरी। ठीक है, ऐसे ही एक और, जैसे वाटर ड्रॉप होती है ना, इसको आप वाटर ड्रॉपलेट भी कह सकते हो, लीव्स भी कह सकते हो, जो मर्जी। ठीक है, उसके बाद इसी के ऑपोजिट यहाँ पर भी एक हम ऐसे ही एक शेप बनाते हैं, उसको थोड़ा सा छोटा बना लेंगे। इतना हो गया सबका। चलिए अब आगे क्या करना है, आगे ठीक है, अभी यहां से जो हमने ये यू बनाया था ना, इसके यू के यहां से एक छोटा सा हम ऐसे कर्व बनाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो इसके ये यहां पर आ रहा है, यहां पर हम छोटे छोटे से दो सर्कल्स बनाते हैं।
डन अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट, मैं एक मिनट में आई। अब हम क्या करेंगे, ये जो है इसके अंदर एक जलेबी ऐसे बनाएंगे, देखो ऐसे बनाया, इसके अंदर एक और सर्कल बना दिया, ठीक है, ऐसे बनाया, ऐसे बना दिया, ठीक है ना बच्चों लो। अभी हम क्या करेंगे, यहां से छोटे से इसके लिप्स बना देंगे, ठीक है। अब बिल्कुल जो इसका सेंटर आएगा ना, सेंटर में हम एक लाइन खींचते हैं ऐसे छोटी सी, ठीक। अब इसी के बराबर में एक और हम लाइन खींचेंगे थोड़ी सी इससे बड़ी, डन। अब यहां पर एक कर्व, छोटा सा गोल सा कर्व बना देंगे और यहां से ऐसे कर ऐसे, ये इसका फिन, ऊपर जो फिन होता है ना वो फिन बन गया, ठीक है। अभी यहां से ये जो हमने ये सर्कल बनाया था ना, यहां से क्या करेंगे, यहां से ऐसे ऐसे बनाएंगे शेप, थोड़ा सा एस जैसा होता है ना कर्वी, उसके बाद यहां से अंदर से एक डब्ल्यू बना दो, उसके बाद एक छोटा सा यू बना दो। यही चीज ऑपोजिट डायरेक्शन पे भी करेंगे, सेम लेंगे ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओगे, एक छोटा सा डब्ल्यू बनाएंगे और फिर छोटा सा यू बना देंगे, ठीक है। अब इसकी टेल, टेल कैसे बनानी है, टेल के लिए भी देखते हैं। ये ऐसा लेंगे, यहां ऐसे बहुत फ्री हैंड है, बहुत इजी है, बट बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से इसको ऐसे करके यहां से इसको ऐसे मिला देंगे, वहां से थोड़ा सा कर्व करके इसको वापस यहां मिला देंगे, एक और ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन ले आएंगे यहां पर, और बीच में ये जो जगह बचेगी इसको भी हम मिला देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम इसको अंदर डिजाइनिंग कर लेते हैं, जैसे इनके स्केल्स होते हैं ना वो बनाते हैं, एक छोटा छोटा हम वी बनाते हैं, कहीं थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, कहीं छोटा बनाएंगे, मिक्स मिक्स करके, ऐसे हमने अपनी फिश को डिजाइन कर लिया। डन, नेक्स्ट फिश पे आ जाएं आप। चलिए बच्चे आगे चलिए, थोड़ा कुछ थम्स अप दिखा दो, कुछ रिएक्ट करो यार, मजा आएगा ना फिर हमें ड्राइंग करने में। वेरी नाइस ना ये बच्चा, हाँ दो बच्चे तो मुझे दिख रहे हैं ना जो मुझे
बात बिल्कुल आंसर कर रहे हैं हर चीज का। चलिए अब हम दूसरी बनाते हैं। इसकी थोड़ी सी मेरी शेप नहीं मुझे मजा आ रहा, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर रही हूं। ठीक है, इसका भी हम क्या करेंगे यहीं से, अब हम इसको थोड़ा सा अलग से बनाते हैं। इसको हम यहां से वेवी ले लेते हैं, एस है ना। सेम वही चीज करेंगे हम, यहाँ पे भी सर्कल बना देंगे, अंदर एक छोटा सा जलेबी जैसा सर्कल बना देंगे, यहाँ एक आईज बना देंगे, अंदर भी ऐसा बना देंगे, ठीक है। फिर उसके लिप्स भी ऐसे ही रहेंगे, छोटी फिश है थोड़ा छोटा बनाना है इसका लिप्स। राइट, अब इसका भी जो बीच का स्केल होता है, जो होता है ना फिशेस के, तो वो भी बनाएंगे। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, कर्व में बना देते हैं ऐसे लेकर। ऐसे बनाते थे, उसका हमने स्ट्रेट बनाया था, इसका थोड़ा सा हमने कर्व में ले लिया, ठीक है। और इसका हम बाकी टेल इसकी भी सेम ऐसे ही आएगी। ऐसे ठीक है, इसमें हमने वी दिया था ना, इसमें हम सी बना देते हैं एस। ठीक है बच्चों, अगेन इसके जो ये विंग्स आ रहे हैं सेम विंग्स ऐसे ही बनाएंगे हम। यहाँ पे स्पेस कम है तो हम कम ही ले लेंगे। ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। अभी इसको हम इसकी आउटलाइनिंग करते हैं। बोल्ड मार्कर है आप बोल्ड से करिए, पतले वाला स्केच पेन है स्केच पेन से करते हैं, जैसे भी है जो भी। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दीदी मैम आज तक इतनी ब्यूटीफुल फिश नहीं देखी, ओह हमें वही एक डिजाइन पता था फिश का, ऐसे क्रॉस करो बीच में से लाइन डालो और बन गई फिश। थैंक यू सो मच मैम। बच्चों के साथ मुझे बहुत मजा आता है, बच्चे बहुत ही, अभी आप देखना है बच्चे जो कर रहे हैं ना वो और ब्यूटीफुल बना के देंगे। बच्चों जब हम आईज करेंगे ना, आईज में एक चीज अभी आपको बताती हूँ, हमने आउटलाइनिंग कर ली आईज की, ठीक है ना। अभी चलो आउटलाइनिंग करते हैं फिर बताएंगे।
आप लोगों का हो गया बच्चों? मैम हो रहा है। हाँ जी बनाओ, आराम से बनाओ, कोई बात नहीं। करें बच्चों आगे बढ़े। चलिए देखिए, अब आइस का जो मैं बोल रही थी ना, आइस के लिए क्या करेंगे हम, ये जो अंदर वाला सर्कल है ना, ये आइस का है, ठीक है। इसमें हम ना क्या करेंगे, पूरा इसको ब्लैक तो करेंगे, बट इसमें थोड़ा सा ना एक पॉइंट जितना हम इसमें व्हाइट छोड़ देंगे, बहुत छोटा सा, दिख रहा है आपको, बहुत छोटा सा छोड़ा है मैंने। ऐसे ही आप भी हल्का सा उसमें एक जैसे वो शाइन आता है ना, वैसा। ठीक है, अब हम कलरिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं अपना। चलिए अभी हम क्या करें, फिशेस ज्यादातर जैसे गोल्डन कलर में होती है ना, येलो ऑरेंज, तो हमने ये दो कलर्स लिए है ना, हम इनसे करते हैं स्टार्ट, बड़ी वाली फिश को करते हैं। कलर देखो बच्चों, ऑयल पेस्टल्स हमेशा ना ये कॉर्नर मत यूज करना, ठीक है, इसको हम ऐसे यूज करेंगे। ऑयल पेस्टल्स हमेशा कभी भी पेंसिल की तरह नहीं पकड़ेंगे, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे। देखो पहले आप देखो फिर आप करना, ठीक है। ये देखो मैंने बहुत इसको अच्छे से ऐसे इसका जो बाउंड्री है ना उस पे मैंने ये चलाया, ये देखो ये आ गया ना वी। अब इस पे भी मैंने ऐसे किया, इसके अंदर फिन पे मत करना, मैं इसमें हम दूसरा कलर डालेंगे बाद में। और ये जो सर्कल आ रहा है ना, कर्व आ रहा है, इस पे ऐसे ऐसे मत करना, इस पे हम इसी लाइन में ऐसे ही कर्व करेंगे, हल्का हल्का करना ताकि बाहर ना निकले, उसके बाद हम इसको डार्क कर लेंगे जब हमारी बाउंड्री सेट हो जाएगी ना। जब भी हम शेडिंग करते हैं ना, हमेशा जो लाइट कलर होता है वो नीचे होता है, जो डार्कर शेड होता है जिसे हमें शेडिंग देनी होती है वो हम ऊपर करते हैं, ठीक है।
बहुत ध्यान से कलर्स बाहर ना निकलें। जैसे हम क्रेयॉन्स यूज करते हैं ना ऑयल पेस्टल्स, वैसे बिल्कुल यूज नहीं होते। ऑयल पेस्टल्स बड़े सॉफ्ट होते हैं, है ना, तो इनको हम अच्छे से बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना, नहीं तो टूट जाएंगे। अगर टूट भी जाते हैं तब भी बच्चों को भी फेंकना मत, ऑयल पेस्टल्स टूटे हुए ज्यादा अच्छे काम करते हैं। ठीक है, मेरी फिश हो गई है अभी कंप्लीट। अभी मैं ये देखो, ये जो डार्कर कलर है ना, मैं इस कलर से शेडिंग दूंगी। देखो कैसे देंगे, ये जो बाउंड्री है ना इसकी, यहां पर मैंने अच्छे से ये दिया येल ऑरेंज कलर, सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री पे, अभी मैंने कहीं कुछ नहीं किया। डार्कर से हल्का हल्का मैं हाथ का प्रेशर धीरे धीरे कर दूंगी, तो उससे क्या होगा, वहां वो हल्का हल्का लाइट होगा। बाउंड्री पे जितना डार्क था उतना बीच में मैं डार्क नहीं दे रही। ये देखो बच्चों, है ना, अब मैंने क्या किया, मैंने अपना हैंड, अपनी ये फिंगर यूज करी। ठीक है, इस फिंगर से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ड्रैग कर दूंगी, तो कलर्स जो थोड़े से अलग से लग रहे हैं, क्योंकि ड्राइंग शीट है, प्लेन शीट नहीं है, ये कार्ट्रिज है, तो इसीलिए। अब देखो मैंने दोनों कलर्स को मिक्स कर दिया, जैसे हम पेंसिल शेडिंग में भी यही करते हैं ना, हम अपने फिंगर को यूज करते हैं। ये जहां जहां आपको डार्क लग रहा है उस डार्क को ऐसे करके ब्लेंड कर दो उसको। अब यहां से कोई बता नहीं सकता कहाँ से येलो शुरू हुआ है, कहाँ पे ऑरेंज खत्म हो रहा है, वो सब मिक्स हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको अभी डार्क कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारा येलो कलर नीचे है ही, वो दिख रहा है, विजिबल है। ठीक है, वही चीज हमने अपने विंग्स पे भी करेंगे हम। इसके हम बाउंड्री पे अपना डार्कर शेड करेंगे। बहुत हल्का हल्का सा हम लेकर इनको हम मर्ज कर देंगे सब कलर्स को। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को? नो मैम। चलें फिर नेक्स्ट कलर की तरफ आगे बढ़े।
यहाँ पे बच्चों एक ब्राउन कलर और आप ले लो, एक ब्राउन कलर और एक जो स्किन कलर होता है ना वो कलर निकाल लेते हैं। ठीक है, ब्राउन कलर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए अपनी फिश को बिल्कुल लाइन जहां इसकी बाउंड्री आ रही है ना हमारे इसकी, इसको हम थोड़ा सा ब्राउन कलर देते हैं, थोड़ा और ये इम्प्रेसिव हो जाएगी हमारी। यहाँ जो इसका ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना जहां वी बन रहा है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे इसको यहाँ पे थोड़ा सा उसको डेप्थ देने के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर कर दिया, बहुत ज्यादा नहीं पर हाँ फिर भी थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, अब ये जैसे ये इसकी आउटलाइन दिखाई दे रही है तो मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी क्या करूंगी हल्का हल्का सा इसको ऐसे मर्ज कर दूंगी। अगर आपके पास कॉटन बर्ड है, जो बर्ड होती है कानों में डालने वाली होती है ना, उससे भी आप कर सकते हो, नहीं तो फिंगर बेस्ट होती है। है ना, इसका ये जो ये हमने ये स्केल बनाया था इस पे भी हम ब्राउन कलर कर देंगे। और ये जो इसके वी जो स्केल्स थे इसके ये वी, इसको हम ऐसे छोटा छोटा इस पे हल्का हल्का इसकी बाउंड्री पे हम इस ब्राउन कलर से ही बना देंगे। ये देखिए, ठीक है, यही चीज हम इसके इस जो इसके फिंग्स हैं इस पे भी हम ऐसे ही करेंगे। इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही ये इस पे भी आ जाएगा। बच्चों हम लोग साथ साथ चल रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं हो रहा ना मैं आगे भाग रही हूँ या मैं पीछे धीरे कर रही हूँ, क्योंकि सुपर मॉम्स के सारे ये सुपर मॉम्स के किड्स हैं ना, ये सारे सुपर किड्स हैं है ना, तो ये जल्दी जल्दी चलते हैं आगे आगे। आप लोग ये करो जब तक मैं सेम वही चीज वही सारा इसके मैं टेल पे कर रही हूँ। हमें ये जो ब्लेंडिंग करनी है ना कलर्स की, इतनी अच्छी करनी है कि नीचे का व्हाइट पोर्शन हमें दिखाई ना दे और बाहर नहीं निकालना, नहीं तो फिर वो ब्यूटी उसकी खराब हो जाएगी हमारे ड्राइंग की, है ना।
बच्चों जिसे हम इसको कलर करते हैं ना, इसका डस्ट रह जाता है, तो उसको प्लीज हाथ से रब मत करना, नहीं तो कलर हो जाएगा हमारी ड्राइंग पे ना, तो आप उसको एक फूक मार दोगे उसके कलर्स उड़ जाएंगे। और हाथों से स्मज ना हो ये भी ध्यान रखना, हाथ ऐसे रख के करते हैं ना तो वो कलर इधर उधर फैल ना जाए, थोड़ा बहुत तो फैलेगा पर ज्यादा ना फैले। देखो बच्चों एक बार टेल देख लो, टेल पे मैंने क्या किया, येलो कलर किया, अब मैंने टेल को अंदर की तरफ से बाहर इसका कलर छोड़ रहे हैं, देखो ऐसे, ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया, मैंने एक शेडिंग दी है उसमें, स्ट्रोक्स एक जैसे रखना, अलग अलग मत रखना, जैसा भी स्ट्रोक दे रहे हो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्लांटिंग वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको फिंगर से मर्ज कर दूंगी ताकि वो अलग सा दिखाई ना दे। अभी देखो मेरी फिंगर में बहुत कलर है ना, मैं उसी कलर को यहां चला देती हूँ, देखो कितना स्मूथ हो जाएगा, आप लोग खुद करोगे ना आपकी ड्राइंग फाइल पे आपको खुद लगेगा कि हाँ बहुत स्मूथ हो जाता है कलर। अब यहां पर भी हल्का हल्का सा, सिर्फ उसको शेडिंग पार्ट को देखते हुए हल्का हल्का मैंने यहां पर ऑरेंज दिया और इसको भी मैं स्मज कर रही हूँ, देखो बहुत ज्यादा भी नहीं करना कि हाथों की मैल से वो ब्लैक हो जाए, ठीक है। अब अगेन हम उसको डेप्थ देने के लिए अपना ब्राउन कलर यूज करेंगे ताकि उसकी गहराई हमें नजर आए ना, मतलब फिश वो 3D में लगे। ठीक है बच्चों, अब इसकी फेस हम करते हैं, फेस के लिए हमने स्किन कलर निकाला था ना, ये जो है बिल्कुल लाइट कलर जो होता है उससे मैं क्या करूंगी, इसका फेस, आईज को मत करना, हम इसका फेस जो है इसको हम इस कलर से मैं कलर कर रही हूं। बहुत हल्के हाथ से बहुत लाइट प्रेशर देना है फेस के लिए। ठीक है ये देखो आईज, आईज पे चलो हम ब्लू कलर कर देते हैं, इसका अंदर वाला हम पोर्शन रहने देते हैं व्हाइट, इसका जो बाहर का है उसको बहुत लाइट ब्लू देना है, बहुत हल्के हाथ से ऐसे, और मैं इसको अब इसके लिप्स के लिए रेड कलर, लिप्स के लिए मैंने ये रेड कलर लिया, मैंने इसके लिप्स पे बहुत ध्यान से कि बाहर ना जाए कलर, मैंने लिप्स ब्लैक सॉरी रेड कलर पे कर, ठीक है। अब फेस पे, क्योंकि बॉडी तो बहुत कलरफुल हो गई, फेस बहुत ही डल मतलब लाइट कलर हो गया ना, तो इस पे भी हम क्या करते हैं, हम अपने ऑरेंज की शेडिंग देते हैं,
कहां से देंगे एक बार देखो बच्चों, ये देखो हम ये जो कर्व है ना, हम कर्व पे चलेंगे, ये देखो फेस को आगे से नहीं छूना हमें, हमने यहां से लिया इसको, इसको थोड़ा सा आगे लाएंगे, अब हल्का हल्के से स्ट्रोक्स देते हुए आगे की तरफ जाएंगे, ये देखिए ऐसे करते हुए जैसी मेरी शेप है मैंने उसी शेप में उसको लिया है, ज्यादा डार्क मतलब बाहर नहीं किया और ना मैंने स्ट्रोक्स टेढ़े मेढ़े दिए हैं, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट सीधी सीधी उसमें डाला है। ठीक है, हल्का सा अगेन हम थोड़ा सा क्योंकि मिक्स हो जाए इसलिए हमने हल्का हल्का इसमें ब्राउन का भी टेक्सचर दे दिया। ऐसे इसको बहुत ज्यादा ब्लेंड नहीं करेंगे, ये देखो बस हल्का हल्का कि अलग से ना कुछ दिखाई दे। ठीक है, अब हम एक चीज तो भूल ही गए थे, वो क्या था कि अब हमारी फिश है, फिश जब पानी में होती है तो क्या होता है ना, उसके मुंह से बबल्स निकलते हैं, तो यहाँ हम बबल्स तो बनाना भूल ही गए थे, चलो अभी बना लेते हैं। सर्कल में हम यहाँ पर बबल बनाया, एक उससे छोटा बनाया और जो इधर उससे भी हम छोटा बना देंगे। ठीक है, अच्छा बबल्स के लिए यहाँ पर ऐसे आप बना दोगे ना तो वो एक बबल वाला लुक आ जाता है ना, जैसे शाइन आती है ना, शाइन में वो दिखती है ना एक छोटी सी लाइन, तो ऐसा लगेगा कि हाँ वो अपने मुंह से बबल्स छोड़ रही है। ये छोटी वाली फिश के इधर भी हमें बबल्स बनाते हैं। ठीक है, अभी हम बबल्स को भी कलर कर लेते हैं। बबल्स को बहुत हल्के हाथ से बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ हल्का हल्का सिर्फ इसके हम एजेस पे हम ऐसे गोल गोल घुमाते हुए बबल बना देंगे, बस बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, और इसको बाद में हम सर्कल में ही ऐसे उसका कलर मिक्स कर लेंगे। ये अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं ऐसे करके, और इसको अंदर की तरफ हम मर्ज कर देंगे। मैंने पूरा सर्कल नहीं लिया है ना, बबल्स मैंने पूरा सर्कल नहीं लिया, मैंने थोड़ा थोड़ा हाफ सेमी सर्कल में लिया है। ठीक है, अभी हम अपनी दूसरी फिश पे आते हैं। दूसरी फिश के लिए हम ये कलर्स ले लेते हैं, ये पिंक पिंक कलर की करते हैं। ठीक है, मैंने लिया सबसे लाइट पिंक कलर जो है, देखिए सबसे लाइट पिंक को सेम इसकी तरह पहले मैं इसका बेस बनाऊंगी, जो बॉडी है फिश की वो हम कर देंगे। इसमें कुछ रहा तो नहीं है, नहीं ओके।
इतना हुआ आप सबका भी। पता है बच्चों, मैं ना और छोटे बच्चों की ना कुछ क्लासेस लेती हूँ, तो ना वो बच्चे मेरे से बातें करते रहते हैं। आप लोग तो बहुत सिंसियरली काम कर रहे हो, आप लोग तो बात भी नहीं कर रहे हैं मेरे से बिल्कुल भी, है ना? आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ तो बता दो बच्चों। आ रहा है, वेरी नाइस। चलो अच्छी बात है फिर तो। मेरी सेकंड फिश मैंने हल्के पिंक कलर में कर ली कलर, आप लोगों की हो गई? नो मैम। ठीक है कोई नहीं, आप जल्दी से करो फिर हम आगे बढ़े। चले बच्चों आगे करें, नेक्स्ट फिश। यस मैम। अच्छा देखो मैंने पिंक कलर किया अभी इस पे, अब मैं इसी का डार्कर टोन ले रही हूँ पिंक कलर में थोड़ा सा। ये क्या कहना चाहिए ना, मजेंटा कलर है, जैसे रानी कलर जिसे बोलते हैं ना। ये देखो अब मैं क्या, सेम वही चीज इसके ऊपर मैंने यहाँ पर इसको डेप्थ देने के लिए, डेप्थ समझ रहे हो बच्चों आप लोग, थोड़ा सा जैसे जब दूर जाती है फिश या जब उसकी गोल बॉडी होती है ना, तो वो हमें थोड़ा डार्कर दिखता है वो पोर्शन, है ना? अगर पानी में होगी वो तो उसका ये पोर्शन हमें थोड़ा सा गोल नजर आएगा, डार्क नजर आएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये
डार्क कलर करते हैं. यहाँ पे कर्व में भी मैं वही कर्व जैसे हमने वहां पे किया था ना, कर्व जैसा है वैसे ही हम अपनी शेप में ये चलाएंगे अपना कलर. ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी, कर्व है तो कर्व ही बनाएंगे और यहां से इसको हम स्प्रेड कर देंगे नीचे की तरफ. वही चीज मैंने टेल पे भी करा, टेल पे मैंने यहां से लाके ऐसे छोड़ दिया. मेरी फिश की बॉडी तो कंप्लीट हो गई है ना. अब हम क्या करेंगे, ये जो एक फिन रह गया ना इसको हम ब्लैक करते हैं. चलो इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस पे और कोई कलर ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, ये अपने आप में डार्क है ना, क्योंकि तो ब्लैक कलर दिखाई भी देगा.
ठीक है। अब ये जो इसके जो हमने सर वो बनाए थे, सी सी बनाए थे ना, उस पे इसी का डार्कर टोन का ही दे देते हैं या फिर ब्लैक का देते हैं, देखते हैं अभी। ब्लैक देखते हैं, नहीं ब्लैक से अच्छा नहीं लगेगा, इसको हम इसी का डार्कर टोन का ही ऐसा सी बना देते, जैसे यहाँ वी बनाया था ना, इसको हम ये ऐसा बना देते हैं। ठीक है बच्चों, फेस भी इसका वैसे ही करेंगे हम, जो स्किन कलर होता है स्किन कलर को ही लेंगे फेस में, बहुत हल्का कलर लेंगे। लिप्स इनके रेड कलर के रहेंगे। आईज आप चाहो इसको व्हाइट छोड़ दो, अगर व्हाइट अलग सी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, तो इसका हम जो बाहर वाला आउटलाइन वाला जो वो है सर्कल है, इसको हम हल्का सा बहुत हल्का हम ब्लू शेड दे देंगे। ठीक है, चाहो तो ऐसे ही छोड़ो अपनी फिश को, नहीं तो इसमें भी अगर शेडिंग देना चाहो तो हल्की सी हम इसमें हम अपने पिंक कलर को दे देंगे। जो डार्क वाला पेंट है ना, क्योंकि शेडिंग के लिए हमेशा डार्कर कलर ही यूज होता है, लाइट तो बेस रहता है हमेशा। ये देखिए, आप लोग जब तक बनाओ एक मिनट में आती हूँ, बस एक। बच्चों हो गई आपकी टू फिशेस हो गई, देखो दिख रहा है ना आपको, ओके डन डन। ठीक है, अभी देखो ये जो हमारा सर्कल है, ये बबल्स है, देखो बबल पे भी मैंने कलर किया, दो फिशेस कलर हो गई।
अब बाकी का बेस बहुत व्हाइट व्हाइट लग रहा है ना, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आप लोगों के पास वॉटर कलर्स है क्या? वॉटर कलर्स है तो जल्दी से वॉटर और वो ले आओ, अपना वॉटर कलर ले आओ। ठीक है बेबी, अब हम क्या करेंगे, हमारा ये जो ब्रश है ना, ब्रश में हम पानी लेंगे। ये देखो मैंने इसको डिप किया ब्रश को, और अपने मार्कर के ऊपर बिल्कुल मत करना बच्चों, नहीं तो वो फैल जाएगा, है ना। मैंने सिर्फ इसको क्या किया, स्प्रेड किया मैंने इसको अच्छे से। आप वाटर को आप स्प्रेड कर लो, बस ध्यान रखना आपका उस पे ना जाए, मार्कर टच ना हो, नहीं तो फैल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर मैंने खाली देखो सिर्फ ये थोड़ा सा ब्लू कलर लिया है, दिखा आपको, ये देखो सिर्फ उसके जो टिप पर है उतना है, मैंने सिर्फ लेकर इसको ऐसे ऐसे लेके छोड़ दिया। ठीक है, ये देखो क्योंकि वाटर कलर है, इसका इफेक्ट वाटर में ज्यादा आएगा, कलर हमें बहुत थोड़ा सा लेना है, कलर थोड़ा लेना है, पानी ज्यादा लेना है। और हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको ऐसे zigzag करके हम छोड़ देंगे। इसका जो इफेक्ट है ये आप बाद में जब ये सूखेगा ना तब आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा, अभी नहीं पता चल रहा होगा। अभी इसमें एक ट्रिक और हम करते हैं, मैं अभी इसी ले गई थी। हम क्या करते हैं ना, हमारी एक सुपर मॉम ने हमें सिखाया था ना सॉइल पेंटिंग, तो हम चलो इसमें ट्राई करते हैं ना कुछ इंटरेस्टिंग सा। ये देखो मैंने क्या किया, मैंने इस पे सॉल्ट गिरा दिया, है ना, मैंने ये देखो अब ये सूखने के बाद अगर आप थोड़ा सा आप अपनी स्क्रीन को जूम करके देखोगे ना, आपको देखो इसका इफेक्ट पता चलेगा। हमने अपनी ड्राइंग पे मिक्स मीडिया को यूज कर लिया है ना, हमने वाटर कलर्स भी कर लिए, हमने वो भी कर लिया, ऑयल पेस्टर भी कर लिया, हमने अपने सॉइल पेंटिंग भी यूज कर ली। ठीक है जी, अब ये हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल भी लाइट नहीं रह गया। तो बच्चों अब मेरी तरफ से तो ये कंप्लीट हो गई है ड्राइंग, अब आप लोग बताइए आप लोगों की कितनी हो गई, कितनी रह गई, या कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? किसी को कुछ पूछना है? शनाया, रोहिणी मैम, हाँ जी दिखा दो शनाया, वाओ ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी, थैंक यू मैम। ऐसे ही आप लोग अपना ना अक्वेरियम बना सकते हो, है ना, एक छोटा सा बॉक्स लेके, क्योंकि हम जब भी कोई ड्राइंग बनाते हैं ना बच्चों, हम हमेशा बाउंड्री बनाते हैं, बाउंड्री हमेशा बनाना, जब भी कुछ बनाओ उसके अंदर छोटी बड़ी कुछ ऑक्टोपसेस बना लो, अगर आपको शेडिंग करनी आ गई आप ऑक्टोपस बनाओ उसमें,
ऐसे ही हमारा एक एक्वेरियम तैयार हो जाएगा या पॉन्ड तैयार हो जाएगा, है ना। और किसी का रेडी है जिनका ध्यान है? रोहिणी मैम, जी मैम, हाँ रेडी है दिखाना? हाँ 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 दिखाओ दिखाओ, ये दिखाओ, तुम अपना फेस भी दिखाओ ना, अपना फेस भी दिखाओ। कैप्चर करनी पड़ती है ना। वेरी नाइस बच्चे, बहुत अच्छा बना है। आपने ये वॉटर कलर यूज करे क्या? हाँ। अच्छा, वॉटर कलर्स में भी शेडिंग होती है ना, इस शेडिंग ट्राई करना इस पे ना, शेप बहुत अच्छी है। और किसी का आईडी है जिनका दिखाना है?